क्या एक शासक की नैतिक जिम्मेदारी है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि अखबार का मुख्य उद्देश्य क्या, जनमानस की भावनाओं को समझना, खुद के मनोभावों को पहचानना और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करना एवं स्वतंत्र निर्भीकता के साथ सामाजिक बुराइयों को उजागर करना। संचार माध्यम है सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। इस यंत्र को हम इतिहास में हम लोग देखें तो पत्थरों के ऊपर शिलालेख एक्ट डिडुना सबसे पहला चर्चित पेपर्स लिखने की शुरुआत हुई। सम्राट अशोक के समय में भी हम लोगों ने देखा कि संचार माध्यम को विकसित करने के लिए पत्थर और शिलालेख लिखे गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक पक्ष को, चाणक्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मीडिया के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात आई। वो कहते हैं कि पब्लिक को फैलाने वाले जो ह्यूमर्स है उनको रोकने के लिए इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि क्या हमें अपने न्यायाधीशों की सोच पर, उनकी क्षमताओं पर, जनमानस की क्षमताओं पर, सोच पर हम लोगों को शक है क्या? हम लोग बहुत व्यक्तित्व, हम लोगों का ऐसा नहीं है कि कोई हमको कुछ भी दिखाए और हम प्रभावित हो जाए। तो हम लोगों को ये पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे पास लोक चेतना कितनी है, हमारे जो राजनीतिक मंच है वो कितने लोक चेतना से अभिव्यक्त और प्रेरित है। हम लोगों को जैसे पढ़ने की बात आएगी तो हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। कई लोग जैसे अरुणति राय हो, तस्लीमा नसरीन हो, शादत हसन मंटो हो, जो लोग इनको पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये गुड रीडर्स थे, अच्छे रीडर्स थे। लेकिन ऐसा नहीं है, लिटरेचर लिटरेचर है, आपको पढ़ना चाहिए, अपना ओपिनियन बनाना चाहिए, हर आदमी को हक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कोर्ट के साथ पूरा किया है। मीडिया का काम महज लोगों को सूचना देना ही होना चाहिए, अन्वेषण करना नहीं होना चाहिए। अन्वेषण करना हमारा पुलिस का काम है, वो अन्वेषण करें और आप अपना पक्ष रख दें और स्वतंत्र है कि वो जनमानस के लिए छोड़ दें, वो अपना निर्णय ले सकता है। हर व्यक्ति इतना परिपक्व नहीं होता कि वह अपने अंदर की मन विश्वासी भावनाओं को दबा कर रख सके, क्योंकि देश का हर नागरिक राजनीति और कूटनीति नहीं समझता है। इसीलिए मेरे आदर्श, मैं मनमोहन सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जैसे नेता जो मीडिया के सामना ही नहीं करते, मेरे ख्याल से उनका यह सशक्त पक्ष है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना आंतरिक अभिव्यक्ति है। वो मीडिया वाला पुरित का बाहर निकालने जैसे सामने नहीं आता हूँ, इसीलिए नहीं आता हूँ क्योंकि क्या है वो मैं जो नहीं कहना चाहता वो मेरे मुंह से कहला दिया जाएगा। तो ये सशक्त पक्ष है, हम लोग बच सकते हैं। सामाजिक चेतना किसी भी देश के वातावरण को बनाती और बिगाड़ती है। आज मीडिया लोगों के लिए सूचना के नाम पर खजाने का रहस्य, आपका भविष्य, धारावाहिक का अगला रोमांच बताने के लिए काम आ रहा है। किसी भी प्रकार की सामंती व्यवस्था देश के लिए हानिकारक है, चाहे मीडिया हो या धर्मगुरु, बेल हो या राजनीति। अगर लोगों की दैनिक दिनचर्या का समय चुराने लगे तो आप मान लीजिए कि उन पर आंशिक प्रतिबंध की आवश्यकता है। मैंने अपनी एक कविता लिखी है, चार पंक्तियां लिखी है, अभी और आगे बढ़ाऊंगा, मेरा शौक है। देश प्रेम का पहला पी चुका हूँ अपनी माँ के हाथों से, नहीं पीऊंगा राष्ट्रवाद का जय किसी और के हाथों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद और देशवाद तो अलग अलग चीज है। मैं देशवाद हूँ लेकिन मैं राष्ट्रवादी नहीं, मेरा पहला हाथ है। ये नारे जो आप बोल रहे हैं कि जो लगाता है व्यक्ति, मैं पूरा नारा नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान डॉट 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 और मैं बोलता हूँ भारत,